क्वेश्चन नंबर वन में बेटा हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कह रहे हैं प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। आपको कह रहे हैं प्रूव करो कि रूट फाइव जो है ना एक इरेशनल नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। अब देखो जब भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसको मैं ना डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकता कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा बेटा, ध्यान समझना। मैं पहले इसको एज्यूम करूंगा कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं यहां पे पहले एज्यूम करूंगा कि ये रूट फाइव जो है ना एक रैशनल नंबर है, मैं ऐसा प्रूफ करूंगा, और फिर मैं रैशनल नंबर के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करूंगा, और जब वो सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो फिर मैं ये चीज मान लूंगा कि ये रैशनल नंबर नहीं, ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, रिपीट करूं मैं अपनी बात को, मैं यहां पे पहले क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे एज्यूम करने वाला हूं कि रूट फाइव एक रैशनल नंबर है, और फिर उसके हिसाब से मैं कुछ वर्किंग करूंगा। जब वो वर्किंग मेरी गलत हो जाएगी तो मैं यहां पे मान लूंगा कि रूट फाइव एक रैशनल नहीं, एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर वन में कह रहे हैं प्रूफ दैट रूट फाइव इज इरेशनल, ये मुझे प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा रूट फाइव इज इरेशनल, ये मुझे प्रूफ करना है। बट कैसे करूंगा प्रूफ, तो ध्यान से समझना बेटा, ये स्टेप्स ना आपको याद रखने हैं, हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको कुछ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आंसर निकालना है। तो देखो कैसे लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा लेट लेट अस एज्यूम रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर। यहां पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं बेटा, यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि रूट फाइव क्या है, एक रैशनल नंबर है। फिर अगर ये एक रैशनल नंबर है, इट मींस रूट फाइव इक्वल्स टू ए बाय बी। अगर रूट फाइव एक रैशनल नंबर है बेटा, तो ये ए बाय बी के इक्वल होगा। ए बाय बी का मतलब क्या होता है बेटा, ए बाय बी का मतलब होता है एक फ्रैक्शन फॉर्म, यानी कि रैशनल नंबर। तो रूट, क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है बेटा, रैशनल नंबर की फॉर्म होती है ए बाय बी, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म होती है एक तरीके से। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि रूट फाइव क्योंकि रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब रूट फाइव इक्वल होगा ए बाय बी के। और यहां पे मैं लिखूंगा साथ में हेयर A and B are co-prime numbers। ध्यान समझना बेटा, co-prime numbers कौन से होते हैं? Co-prime numbers बेटा वो numbers होते हैं जिन जो किसी भी common table में नहीं आते। जैसे कि example के लिए देखो, five और nine क्या किसी common table में आते हैं? नहीं आते। तो जो number किसी common table में नहीं आते वो co-prime numbers होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं? कोप्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ए और बी जो मैंने लिया है ना, ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है, यानी कि किसी कॉमन टेबल में नहीं आते। अब क्या होगा आगे, ध्यान से देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए तो बेचारा ए रहेगा, रूट फाइव बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट फाइव बी, रूट फाइव बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे। अब अगला स्टेप याद रखना है आपको, अब आप यहां पे आप स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ, बेटा कोई भी रूट वाला आ जाए सेम ही करना है, रूट टू हो, रूट थ्री हो, रूट इलेवन हो, सबको इसी तरीके से करना है आपको। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, तो फाइव नहीं बेटा, हाँ बेटा कुछ मैटर ऐसा सच नहीं करता, मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये जिसकी तरफ भी जाएगा जाएगा। आई मीन टू से ये लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में रख लो, राइट में आ रहा है राइट में रख लो, ऐसा सच मैटर नहीं करेगा कुछ भी। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बेटा, तो ये आएगा ए का स्क्वायर और इधर आएगा रूट फाइव बी का होल स्क्वायर। इट मींस ए स्क्वायर इक्वल टू रूट फाइव बी का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल है फाइव बी स्क्वायर के, अब बी की जगह आप कोई भी नंबर रख लो, जब वो फाइव से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये फाइव का मल्टीपल बन जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे कह रहा हूं कि बी की जगह आप जो भी नंबर रखोगे ना, जब वो 5 से मल्टीप्लाई होगा ना तो वो एक 5 का मल्टीपल बन जाएगा, यानी कि वो 5 के टेबल में आएगा, और वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी ना वो 5 के टेबल से डिवाइड होती होगी। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 5 के टेबल से डिवाइड होती होगी तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो आगे यहां पे क्या मैंने करा, यहां पे मैंने लिख दिया कि a जो है वो ऑल्सो डिविजिबल है 5 के। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, यहां पे लेट करना है, लेट a इक्वल्स टू
ए को आपको लेट करना है यहाँ पे बेटा, और क्या लेट करोगे ध्यान सुनना, जो भी आपका इरेशनल नंबर आप फाइंड कर रहे हो ना, जैसे रूट फाइव को कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एक तो फाइव ले लेना है और एक अलग वेरिएबल ले लेना है। वेरिएबल जैसे कि सी ले लो, तो यहाँ पे मैं फाइव सी ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैं रूट फाइव ना करके रूट इलेवन कर रहा होता, तो यहाँ पे मैं इलेवन सी ले लेता। मान लो यहाँ पे रूट थ्री ले रहा होता, तो मैं थ्री सी ले लेता। तो जो भी आपके पास यहाँ पे रूट का फाइंड करना होगा ना आपको, आपको यहाँ पे वही वाला ले लेना है, जैसे उसके साथ और एक वेरिएबल ले लेना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट ए इक्वल्स टू फाइव सी। फाइव क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास इरेशनल नंबर रूट फाइव चल रहा है। अब क्या करना है मेरे को, अब ये फाइव सी को ना पुट कर देना इस इक्वेशन वन में, ठीक है। लेट ए इक्वल्स टू फाइव सी एंड पुट इन इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन के अंदर आपको इसको डाल देना है। इक्वेशन वन क्या बेटा मेरे पास, इक्वेशन वन है मेरे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू फाइव बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर। अब इस ए को रिप्लेस कर देना फाइव सी से, तो ए की जगह आ जाएगा फाइव सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि मैंने ए को रिप्लेस करा है, ए स्क्वायर को रिप्लेस नहीं किया, तो ए को रिप्लेस करके फाइव सी आ गया, और उसका स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे आ गया फाइव सी स्क्वायर, फाइव सी का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर। तो अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूं बेटा, ऊपर से हटा रहा हूं इसको मैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 5c का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, तो ये 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू b स्क्वायर, और इसको आप कैंसिल करोगे बेटा, तो कैंसिल करके आएगा 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब ये तो कुछ इसी तरीके का बन गया, ये तो कुछ इसी तरीके का बन गया यहाँ पे भी, तो इसका मतलब b स्क्वायर जो है वो 5 के डिविजिबल होगा और b भी 5 के डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों, आप खुद देखो, यहां पे मेरे पास c है, c को कुछ भी ले लो आप, सॉल्व करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो ऐसा नंबर निकलेगा जो 5 के डबल में आता होगा। तो इसका मतलब ये इक्वल है b स्क्वायर के, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो यहाँ पे बेटा गलती क्या हो रही है, अब यहाँ पे बता, गलती इन द सेंस कि यहाँ पे अब जो हमने एजम्पशन करी थी उसको लेके यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है बेटा। तो जो हमने एजम्पशन करी थी, हमने तो ये बोला था कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं, बट यहाँ पे ए और बी जो है वो तो फाइव के टेबल में आ रहे हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा, मतलब आई मीन टू से, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि ऐसे दो नंबर जो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो मैंने बोला कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि वो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे तो मेरे आंसर में तो क्या हो रहा था, ए भी फाइव के टेबल में आ रहा था और बी भी फाइव के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये तो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, बट हेयर कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी आर फाइव। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि हमने एज्यूम करा था कि ए और बी जो है ना वो तो को प्राइम नंबर्स हैं, बट यहां पे हुआ क्या, यहां पे इनके कॉमन फैक्टर तो फाइव निकल रहे दोनों के, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सो आर अजम्पशन गोज रॉन्ग, हमारी assumption क्या होगी बेटा, हमारी assumption यहाँ पे गलत चली गई, और जिसकी वजह से ये क्या चीज हो जाएगी, ये एक rational number नहीं हुआ। तो अगर ये एक rational number नहीं हुआ, तो फिर क्या है ये, ये एक irrational number है। So therefore root 5 is an irrational number। Answer खत्म।